बच्चों मेरा नाम है पूजा गुप्ता और आज मैं आप लोगों को सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ ये चैप्टर हम हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं सो लेट्स गेट स्टार्टेड यस बेटा क्विकली विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आप लोगों को पहला क्वेश्चन पूछती हूँ कि व्हाट इज सेल यस सब लोगों को पता है हम छोटे थे बच्चे थे चिंटू बेबी थे तभी से हम लोग स्टडी करते आ रहे हैं स्कूल लेवल से थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड से कि वॉट इज सेल इट इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ राइट तो जो सेल होता है वो क्या होता है हमारे पूरे बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है जिसके मदद से हम पूरे एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म होते हैं तो व्हाट इज सेल सेल जो है जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होते हुए देख रहे हैं तो ब्रिक जो होता है एक ब्रिक जो है वो एक सेल है बहुत सारे ब्रिक्स जो है वो जुड़ जाते हैं तो इट इज़ फॉर्मिंग अ टिश्यू एंड बहुत सारे ब्रिक जोड़ने के बाद फिर बाद में फ्लोर्स और पिलर्स वगैरह आ जाते हैं तो दे बिकम दी ऑर्गन्स अलग 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 जो रूम्स बन जाते हैं तो ऑर्गन्स ऑर्गन्स बहुत सारे ऑर्गन्स बनने के बाद क्या होता है ना बहुत बहुत सारे रूम्स बनने के बाद एक पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है तो दैट इज़ एन ऑर्गेनिज्म सो ऐसे ही सेल जो है उसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कि वॉट इज़ सेल इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ सबसे छोटा यूनिट होता है फिर बाद में ग्रुप ऑफ सेल फॉर्म्स टिश्यूज़ ग्रुप ऑफ टिश्यूज फॉर्म ऑर्गन ग्रुप ऑफ ऑर्गन फॉर्म्स ऑर्गेनिजम और ऑर्गेनिज्म में भी बेटा बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं यूनीसेल्युलर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म तो ये सब हम लोग ये चैप्टर में स्टडी करने वाले प्रो कैरियोटिक यू कैरियोटिक एवरी थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी एंड आई ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी पॉइंट बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिप्स भी मैं आप लोग को बताने वाली हूँ स्टूडेंट्स सो लेट्स गो स्टार्टेड येस दो सेल सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ सबसे छोटा और बहुत इंपॉर्टेंट तो बेटा बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑर्गैनिजम्स हैं जिनमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के बेसिकली uh, जो uh, उनका बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग होता है तो बट सेल्स आर ऑफ बेसिक सम टाइप्स रेगुलर टाइप के होते हैं तो उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कैसा होता है सेल का स्ट्रक्चर तो यस व्हाट इज सेल इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग मैटर मतलब सबसे छोटा पार्ट होता है लिविंग मैटर का एक सेल दो सेल यूनिसेल्युलर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म यूनिमीस वन सेल्यूलर मल्टीमीस मैनी सेल्स कम टू गेट टूगेदर तो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म तो यूनील्युलर मल्टी सेलूलर ऑर्गेनिज्म तो इट इज अ बेसिक यूनिट द सेल इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट हैविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ ऑल ऑर्गेनिज्म आर कम्पोज ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड सेल

परफॉर्म करते हैं अलग अलग उनका शेप साइज मॉर्फोलॉजी होता है तो दैट ऑल वी आर गोइंग स्टडी बट द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेल आर कॉमन टू ऑल द सेल्स राइट बट उसके अंदर की जो मशीनरी होती है ना वो कॉमन होती है अक्सर भले ही वो दिखता कैसे भी हो क्या हो बट सेल ऑर्गनल्स जो है अगर वो यू कैरियोटिक है तो इट हैज़ अ पर्टिकुलर सेल ऑर्गनल्स अगर प्रो कैरियोटिक है तो इट हैज़ अ पर्टिकुलर सेल ऑर्गनल्स जो अंदर का ताम होता है अंदर की जो चीज़ें होती हैं या जो ये सेल को रेगुलेट कर रहे हैं वो चीज़ें जो है अक्सर कॉमन होती है बट वो सेल का टाइप जो है वो वेरी कर सकता है आइदर इट इज़ प्रो कैरियोटिक आई इट इज़ यू कैरियोटिक सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट ऑल्सो नाउ वॉट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ माइल स्टोन ऑफ डिस्कवरी ऑफ सेल बिट सेल जो है बेसिकली ये हम लोग को ये चैप्टर में स्टडी करना है उसका थियोरी नंबर टाइप्स ऑफ सेल्स आर के वगैरह सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करेंगे सो दिस इज अ जस्ट अ समरी आई विल मूव लिटिल फास्ट फॉर सम स्लाइड्स जिसमें ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है बट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पर मैं शांति से आप लोग को बताऊँगी कि क्या है कैसे है सेकेंड द माइल्ड स्टोन ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द सेल इसमें भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या होता है बेसिकली आप लोग जूम करके ये स्लाइड्स बहुत आराम से देख सकते हैं बाद में यू कैन मेक अ की नोट्स की क्योंकि ये साइंटिस्ट लोगों के नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा बहुत बार पूछा जाता है तो रॉबर्ट हुक जो है उन्होंने फर्स्ट क्या किया था कॉइन द टर्म सेल याद रखेंगे रॉबर्ट हुक कॉइन द टर्म सेल फिर एंटन वॉन लिविन उन्होंने बैक्टीरिया स्पर्म्स एंड रेड ब्लड सेल्स में कॉर्पोसल्स uh, में ये सेल का स्टडी किया था देन रॉबर्ट ब्राउन जो है उन्होंने न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर स्टडी किया था ठीक है तो एंड रॉबर्ट हुक जो है क्रूड माइक्रोस्कोप में उन्होंने पर्टिकुलरली बार्क प्लांट के ट्री के बार्क से वो सेल को स्टडी किया था तो वो ऐसा हनीकोम के ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा था तो वो आपको याद रखना है तो प्लांट सेल से उन्होंने बार्क से उन्होंने स्टडी किया था सेल के बारे में देन what is cell again it is a structural and functional unit of life enclosing protoplasm consisting of numerous micro and macro organic and inorganic molecules dissolved in a suspended <coughs> in colloidal and watery matrix तो प्रोटोप्लाज्म क्या है उसका लाइव कंटेंट है जिसमें सारे सेल ऑर्गनल्स, ऑर्गेनिक इन ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो सेल को रेगुलेट करते हैं वो सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं उसमें क्या क्या होता है बेटा बेसिकली सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म डीएनए हाँ तो ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है सेल के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बेटा सेल थियोरी शिल्डन एंड श्वेन हु हैज़ इन्वेंटेड सेल थियोरी इट इज टू साइंटिस्ट शिल्डन एंड श्वेन ये भी याद रखना है आप लोगों को सो जॉइंटली शिल्डन एंड श्वैन इन एटीन उन्होंने सेल्फ थियोरी लेकर आया था ऑल ऑर्गे आर कम्पोज ऑफ वन और मोर सेल्स ये आपको याद रखना है फिर life, right? or by, or form, novo, तो वो उन लोगों को थियोरीज बहुत अलग अलग थियोरीज उन्होंने बताई या तो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स सेल डिवाइड होकर वो न्यू सेल्स फॉर्म करते हैं तो बहुत सारी अलग अलग उन्होंने थियोरीज आई थी तो उन्होंने ऐसी थियोरी बनाई थी फिर बाद में जर्मन मेडिकल डॉक्टर रुडल्फ uh, विंचाओ उन्होंने जो है फर्स्ट टाइम सेल डिवाइडिंग डिविशन ऑफ सेल जो है वो स्टडी किया था और उनको पता लगा था कि वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से नया सेल जो है वो फॉर्म होता है तो आप लोग को ये सब याद रखना है रॉबर्ट होक रॉबर्ट ब्राउन लिवन हॉक शिल्डन एंड श्वान देन विचाओ तो किसने क्या क्या काम किया था यू हैव टू रिमेंबर द नेम्स एंड यू हैव टू राइट डाउन द मेन पॉइंट तो आपका जो नीट का बुक है या जो भी आपका प्रिपरेशन का बुक है उसमें आप लोग ये साइंटिस्ट के नाम लिख कर उनका क्या काम किया है वो लिखना है तो ऑल थिंग्स आर मैंशन इन द स्लाइड्स यू विल जस्ट थ्री डेट थारली एंड जस्ट नोट डाउन द पॉइंट्स ऑल द थिंग्स आई हैव सेड यू वॉट आर इम्पोर्टेंट दैट यू हैव टू रेफर इट देन हेक्टल उन्होंने क्या किया था दैट की न्यूक्लियस स्टोर्ड एंड ट्रांसमिट देरिडेटरी ट्रेट हेरिडेटरी ट्रेट न्यूक्लियस जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है तो वो हैक्टल ने बनाया था फिर मॉडर्न थियोरी सेल थियोरी जो है वो उनके कुछ नए फीचर्स थे कि सेल कंटेन हेरिडिटी मटेरियल दैट इज डी ये आया था न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू डिविजन ये भी उन्होंने बताया था फिर द सेल आर बेसिकली द सेम इन केमिकल कंपोजिशन इन ऑर्गेनिज्म ऑफ सिमिलर स्पीशीज तो वो सिमिलर स्पीशीज है तो उनके जो सेल है वो सिमिलर होते हैं ऐसा भी बताया था तो ये नया थियोरी आया था ठीक है शिल्डन एंड श्वैन के बाद देन फिर बाद में और भी कुछ पॉइंट्स थे जैसे सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल एंड दैट दे आर नोन एज यूनीलुलर फिर बाद में द एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द टोटल एक्टिविटी ऑफ इंडिपेंडेंट सेल देन इन द मल्टी सेलूलर ऑर्गेनिजम्स दे कंपोज ऑफ मेनी सेल्स तो ये सब जो है वो मॉडर्न थियोरी ने बताया था तो सेल तो थियोरीज जो है सबसे पहले वाली शिल्डन एंड श्वैन और फिर बाद में मॉडर्न थियोरी आया अब बेटा सेल का नंबर साइज शेप वो वेरी होता है मैंने आपको बताया है तो दे रिमेन डिफरेंट अभी और ये वाला नीचे का आपको दिख रहा होगा तो सेल ग्रुप ऑफ सेल फॉर्म्स टिश्यू ग्रुप ऑफ़ टिश्यू फॉर्म्स ऑर्गन ग्रुप ऑफ ऑर्गन फॉर्म ऑर्गन सिस्टम एंड देन द ऑर्गेनिज्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है देन नाउ द नंबर साइज एंड शेप के ऊपर जाएंगे तो नंबर आइदर द सम ऑर्गेनिजम्स आर यूनीलुलर यूनि वन सेल होता है बैक्टीरिया ईस्ट क्लमाइडोमोनस डायटम्स अक्सर ये होते हैं फिर बाद में ह्यूमन्स आर मेड अप ऑफ अबाउट वन ट्रिलियन सेल्स तो वी आर मल्टी सेल्युलर ओके देन यूनिसेल्युलर फॉर्म सिंगल सेल एंड इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस यू नो दैट कि बेसिकली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो एक सेल ही सारा काम कर देता है उनका तो वो पूरा केपेबल सेल होता है बट मल्टी सेल्युलर में ऐसा नहीं होता है दे हैव डिविजन ऑफ लेबर मतलब क्या अलग अलग सेल्स अलग अलग ऑर्गन्स uh, होते हैं उसमें अलग अलग पार्ट होते हैं जो ये फंक्शंस अलग अलग फंक्शंस कैरी आउट करते हैं जिनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे तो उनके पास क्या होता है डिवीजन ऑफ लेबर बट यूनिसेलुलर सेल्स क्या होते हैं दे हैव द इंडिपेंडेंट रोल वो पूरी तरीके से अपना सारा काम धाम एक ही सेल कर देता है ओके ना वॉट इज दिस सेल टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म दैट ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर नाउ दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स ऑर्गेनिजम्स और उसमें अलग अलग फोटोग्राफ्स है जो आप लोग देख सकते हैं क्लोरेला कोला है बैक्टेरिया है ये देन वॉलॉक्स अलगी है वो स्पायर वगैरह वो भी अलगी है प्लांट्स है स्टार फिश है तो यूनील्यूल मल्टी सेल्युलर सब के फोटोज दिए हुए हैं तो दे कंटेन मैनी एग्जाम्पल्स दिस इज द यूनीलुलर सेल का एग्जाम्पल बैक्टेरिया का एंड रेस्ट आर दै मैक्सिमम आर द मल्टी सेलुलर स्टार फिश प्लान्स दे आर द मल्टी सेल्युलर ऑर्गैनिजम्स न साइज़ ऑफ द सेल दे वेरी ठीक है सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो है आप लोगों को याद रखना है बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर नीट ओके द स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा गैलसेप्टियम स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा प्लाज्मा याद रखना है ओके देन द बैक्टेरियल सेल उसमें थोड़ा सा बड़ा होता है उसमें अलग अलग टाइप होते हैं रॉड शेप देन स्पायरुलना शेप ये सब हमने पढ़ा है प्लांट क्लासिफिकेशन में तो उसमें बैक्टीरियल सेल में एग्जाम्पल एशी रेशिया को लाए ईकोलाए प्रोटोज वो हमें अमीबा दैट इज ऑल्सो स्मॉल ऑर्गेनिज्म ओके जनरली प्लांट सेल दे आर लार्जर देन एनिमल सेल ऐसा बोला जाता है बट देर आर सर्टेन एक्सेप्शन लाइक ऑस्ट्रिक ऑस्ट्रिच का एग सेल जो है वो बहुत बड़ा होता है सेवेंटी फाइव एम एम लॉ ओके देन एसिटूब एसिटाबुल आरिया इट इज ऑल्सो यूनिसेल ग्रीन अलगा जो टेन सेंटीमीटर इन लेंथ मतलब अलगी इतना बड़ा होता है वॉल्यूम बेटा अगेन इट इज़ फेयरली कॉन्स्टेंट होता है इन पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल बट दे हैव डिफरेंट मास ऑर्गन डिपेंड होता है उनका वॉल्यूम भी वेरी होता रहता है तो वो हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना है बट हमको क्या है इम्पॉर्टेंट है माइक्रोप्लाज्मा प्रोटोजोन का एग्जाम्पल बैक्टीरिया का एग्जाम्पल ऑस्ट्रिच सेल का आपको याद रखना है तो इम्पॉर्टेंट थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर आई एम ट्राइंग टू कवर ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर यीट ऑल्सो ओके ना विच सेल टाइप इज लार्जर ओके तो बोलते हैं कि प्लांट सेल अक्सर जनरली लार्जर होता है दैन एनिमल सेल देर आर सर्टेन एक्सेप्शन जनरली प्लांट सेल आर लार्जर दैन एनिमल सेल्स एंड एनिमल सेल्स आर लार्जर दैन द बैक्टेरियल सेल ठीक है तो बैक्टेरियल सेल छोटा होता है फिर एनिमल सेल और फिर प्लांट सेल प्लांट सेल सबसे बड़ा होता है बट देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस ओके नाव दिस इज अ चार्ट यू कैन रेफर इट की सबसे छोटा जो है एटम है फिर अमाइनो एसिड प्रोटीन्स दिस इज अ साइज टिपिकल साइज फाइव टू फिफ्टी माइक्रोमीटर के जितना ये है सबसे बड़ा जो है वो वेल का है ओके टेन देन वाई सेल वाई आर सेल सो स्मॉल वाई क्यों बेटा क्योंकि वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में बिलियज एंड ट्रिलियंस भी होते हैं तो अगर वो बहुत बड़े बड़े होंगे तो कैसे वो अकोमोडेट करेंगे एंड दे हैव इंडिविजुअल रोल सो दे वेरी इन ऑर्डर टू सरवाइव सेल मस्ट कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट विद देयर सराउंडिंग एनवायरमेंट एंड कैन ग्रो टू द सर्टन साइज राइट तो दे हैव टू गो टू थ्रू द सर्टन प्रोसेस जिससे उनका साइज जो है वो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम तक बढ़ना चाहिए तो वो है देन द सेल ग्रो ग्रोज बियॉन्ड अ सर्टन लिमिट इनफ मटेरियल विल नॉट बी एबल टू क्रॉस मतलब वो उनका एक कॉन्स्टेंट uh, वॉल्यूम होता है वहाँ तक वो मैक्सिमम ग्रो हो सकते हैं then the surface area of is the area of the outside of the cell called as plasma membrane plasma membrane uska bahar ka layer hota hai jisse hum log wo volume jo hai wo particular cell ka wo kitna bada hai wo hum log find out kar sakte hain then cell shape i said you that there are many cell shape alag alag type ka hai spherical uh, है पॉलीगोनल disc डिस्क है क्यूबॉइडल है कॉलमनार है स्पिंडल है, है तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग शेप्स होते हैं दैट ऑल्सो वेरीज ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म सो दीज आर दर्टेन ऑर्गेनिजम्स अगेन द फोटोज अमीबा का है कि माइडोमोनस पैरामेशियम एसिटाबुलरिया इकोला मसल सेल एपिथेलियल सेल रेड ब्लड सेल्स अनियन प्लीन सेल्स ओके नाव टाइप्स ऑफ सेल बेटा तो टाइप्स ऑफ सेल में सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को पता होना चाहिए देर आर टू टाइप्स ऑफ सेल प्रो कैरियोटिक एंड यू कैरिटिक सेल बट उसके अलावा भी देर इज एन इंटरमीडिएट थर्ड टाइप ऑफ सेल दैट इज मीजो कैरियोटिक सेल उसके बारे में हम लोग डिटेल में नहीं स्टडी करेंगे बट ये डॉच uh, करके एक साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था कि देर इज एन इंटरमीडिएट सेल जो प्रो कैरिओटिक और यू कैरिटिक के बीच में होता तो दैट इज मीज़ो कै सेल यू शुड नो ओनली दैट मच दैन दिस वॉज नॉट मैंशन इन योर बुक बहुत सारी चीज़ें जो आपके टेक्सट बुक में नहीं दी है वो बता रही हूँ मैं आप लोग को देन प्रो कैरियोटिक सेल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है प्रो कैरियोटिक सेल नाव यू कैन लिसन वॉट टाइम टेलिंग एंड देन वी विल गो ऑन टू द बोर्ड प्रो कैरियोटिक सेल बेटा क्या होते हैं प्रिमेटिव सेल होते हैं प्रो कैरियऑन प्रो मीन्स प्रिमेटिव न्यूक्लियस कैरियऑन स्टैंड फॉर न्यूक्लियस जिसका न्यूक्लियस बढ़िया से डेवलप नहीं होता है वो प्रो कैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है अक्सर इसमें बैक्टीरियल सेल्स आते हैं बैक्टेरियाज आते हैं एग्जाम्पल जिसमें टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं सिंपल उनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस बढ़िया से नहीं होता है सेल ऑर्गनल जो है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गनल्स जैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट ये सब नहीं होते उनके सिंपल होता है उनका स्ट्रक्चर ठीक है तो बैक्टीरिया जो है जो लोअर मोस्ट ऑर्गेनिज्म है उनको हम लोग प्रो कैरियोटिक ऑर्गेनिजम बोलते हैं तो प्रो कैरियोटिक प्रो प्रिमिटिव कैरियन न्यूक्लियस ओके okay? नॉट वेल डेवलप न्यूक्लियस ये ऐसे याद रखना है एग्जाम्पल बैक्टेरिया ओके दे आर द प्रिमेटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस विच इज नॉट बाउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेब्रेन ट्रू न्यूक्लियस एंड कॉल्ड एज न्यूक्लियड तो न्यूक्लियस नहीं होता है बट न्यूक्लियड होता है देर इज नो मेंबरेन बाउंड सेल ऑर्गनल आई सेड यू दैट मेंब्रेन बाउंड सेल ऑर्गनल नहीं होता है ठीक है इन फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेंब्रेन मीजो सोम्स टेक्स दे टेक्स दे आर फंक्शन प्लाज्मा मेम्बरेन का न्यूक्लियर मटेरियल लाइज डिफ्यूज इन द सेंट्रल पार्ट तो वो बेसिकली न्यूक्लियर मटेरियल भी ऐसे ही रहता है प्रोकैरियोटिक सेल आर जनरली स्मॉलर देन यू कैरियोटिक सेल और एग्जाम्पल्स क्या है बैक्टेरिया बैक्टेरिया में आर के बैक्टेरिया देन ब्लू ग्रीन अलगी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्रो कैरियोटिक सेल ये बेटा मल्टीपल चॉइस में आता है अलगा है बट वो प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है ठीक है तो ब्लू ग्रीन अलगा विच इज़ अ टाइप ऑफ प्लांट किंगडम में आता है वो प्रोकैरियोटिक सेल का तो ये याद रखना है माइकोप्लाज्मा प्लाज्मा द केटसिया ऑल्सो इंक्लूड इन दिस टाइप तो यू हैव टू रिमेंबर द एग्जाम्पल्स यू कैरियोटिक सेल बढ़िया से वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस ओके सो इट इज अ टाइप ऑफ सेल ऑर्गनल जिसके पास डेफिनेट ट्रू न्यूक्लियस होता है यू कैरियन मीन्स ट्रू न्यूक्लियस एंड उनके जेनेटिक मटेरियल जो है वो न्यूक्लियस में Uh, रहता है दे हैव न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोइड न्यूक्लियोलस सब कुछ होता है तो दैट इज़ दे हैव दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गनल्स मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गनल्स मतलब क्या क्लोरोप्लास्ट माइट्रोकॉन्डिया ऐसे सब चीज़ें प्रेजेंट होती है उसमें तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गनल्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और नॉर्मली लार्जर ऑर्गेन वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म में ये सेल होता है यूकैरियोटिक अपने ह्यूमंस में भी वही होता है ठीक है दिस टाइप ऑफ सेल्स आर जनरली लार्जर एंड मोर ऑर्गेनिजम्स दैन प्रोकैरियोटिक सेल ठीक है ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में ये होता है मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल सेल कम अंडर दिस कैटेगरी एक्सेप्ट ब्लू ग्रीन अलगा यस तो ब्लू ग्रीन अलगा याद रखना है प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है यस स्टूडेंट्स हैव यू अंडरस्टूड यस ठीक है तो अभी तक मैंने आपको बेसिक्स बताया है वॉट इज सेल सेल थियोरीज किसने इन्वेंट किया है द टाइप्स ऑफ सेल्स द शेप ऑफ द सेल द वॉल्यूम ऑफ द सेल ये सब मैंने आपको बताया है जो बहुत 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 सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट बताई है जो आप लोग को नीट पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है ना द अदर टाइप ऑफ सेल्स आई सेड यू दैट सम सेल्स आर इवन स्मॉलर देन प्रो कैरियाटिक सेल्स स्मॉलेस्ट नॉन सेल माइको प्लाज्मा ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स आई एम टेलिंग यू हंड्रेड टाइम्स अ स्मॉलेस्ट सेल माइको प्लाज्मा ठीक है दैट इज पी पी एल ओ दैट इज फ्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म अ बैक्टेरियम प्रोकेरियॉड दैट इज़ साइज़ जीरो पॉइंट वन माइक्रो एम टू जीरो पॉइंट थ्री टू जीरो पॉइंट फाइव माइक्रो एम ओके तो इट इज़ अ स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म द साइज ऑफ दिस सेल में नॉट बी मोर देन थाउजेंड टू फाइव हंड्रेड फाइव थाउजेंड टाइम्स दैट ऑफ हाइड्रोजन आइटम मतलब बहुत ही छोटा होता है ठीक है देन ये पी पी एल ओ मतलब क्या है आपको फुल फॉर्म बताया है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म ठीक है पी पी एल ओ ये याद रखना है इट इज़ अ बैक्टीरिया विच हैज़ अ स्मॉलेस्ट सेल साइज नाउ दिस इज कंपेरिजन बिटवीन द प्रो कैरियोटिक एंड द यू कैरियोटिक ऑर्गेनिजम स्टूडेंट्स इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट ठीक है तो ये the, देख लीजिए सेल कंपार्टमेंट प्रो कैरियोटिक में नो कंपार्टमेंट्स यू कैरिओटिक में डिस्टिक कंपार्टमेंट्स होते हैं साइटोप्लाजम होता है न्यूक्लियस होता है देन सेल वॉल प्रेजेंट कम्पोज ऑफ अमाइनो शुगर एंड म्यूरामिक एसिड एनिमल सेल में अक्सर सेल वॉल एबसेंट होता है बट प्लांट सेल में इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोस प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाई होता है और इन बेसिकली प्रो कैरियोटिक और यू कैरियोटिक में भी लिपिड बाई का होता है विद प्रोटीन्स देन सेल ऑर्गनल्स अक्सर इसमें फोल्डेड और डबल मेम्बरेन सेल ऑर्गनल्स एबसेंट होते हैं एबसेंट होते हैं एंड उसमें जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गनस जो है वो प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स मीजोजोम्स में होता है यहाँ पे ज़्यादा वहाँ पे माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है कैप्सूल इफ प्रेजेंट कम्पोज ऑफ माइ म्यूकोपोलीसेक्राइट्स वहाँ पर कैप्सूल एबसेंट होता है फोटोसिंथेटिक अपैरट एंड क्लोरोफिल फोटोसिथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल कैरोटिन ग्रैना ऑन ग्रैनल लैमिले नॉट इनक्लोज इन द मेम्रेन नो प्लास्टिक एट प्रेजेंट हीर उसमें पिगमेंट्स और प्लास्टिड्स अक्सर प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में नॉट एनिमल सेल में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ़ न्यूक्लियस डेफिनेटली यहाँ पर वेल well ऑर्गेनाइजेशन नहीं है उसमें वेल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे क्या होता है न्यूक्लियोइड होता है वहाँ पे डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होता है तो ये टेबल बहुत ध्यान से देखेंगे पूरा डेटा जो है वो बहुत ही आराम से और बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है यू विल स्टडी इट फ्रॉम दिस कि डिफरेंस क्या क्या है ठीक है तो हमेशा याद रखना है कि यू कैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो मोर डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है प्रोकैरियोटिक लोअर ऑर्गेनिज्म है न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता है यू कैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस डेवलप होता है माइक्रोकॉन्ड्रिया वगैरह नहीं होते हैं प्रोकैरियोट्स में यू कैरियोट्स में होते हैं सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन वो सब पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है तो जस्ट गो थ्रू इट तारली ओके देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एबसेंट उधर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट न्यूक्लियोप्लाज्म अनडिफ्रेंशिएटेड फ्राम साइटोप्लाजम टेंसर डिफ्रेंशिएटेड इंटो साइटोप्लाज़म न्यूक्लियोप्लाजम जो है वो डिफरेंट नहीं होता है इसमें न्यूक्लियस न्यूक् न्यूक्लियोप्लाजम ऐसा अलग नहीं होता है क्योंकि न्यूक्लियो न्यूक्लियोलस जो है वो ऐसे ही प्रेजेंट रहता है वहाँ पर इट इज डिस्टिंग न्यूक्लियस में स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे हेरिडिटरी मटेरियल जो है वो भी ऐसे ही सर्कुलर uh, शेप का सेल में ऐसे ही है। वहाँ पर इट इज़ प्रजेंट इन द न्यूक्लियस एंड हिस्टोन प्रोटीन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं तो यू कैरियाटिक ऑर्गेनिजम में हिस्टोन प्रोटीन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं दैन न्यूक्लियोलस एबसेंट न्यूक्लियोलस प्रेजेंट फ्लैजुलम सिंगल सिंपल कम्पोज ऑफ प्रोटीन उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं नाइन टू नाइन प्लस टू वाला स्ट्रक्चर होता है वो हम स्टडी करेंगे सेल डिवीजन बेसिकली अ माइटोसिस दैट इज बाइनरी इफेजन वगैरह से होता है इसमें माइटोसिस मियोसिस सब होता है इसमें राइबोसोम्स होते हैं सेवेंटी एस उसमें एटी एस साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट रेयर एंड एबसेंट दे आर ऑफेंट वैक्यूल एबसेंट द प्रेजेंट लाइजोसोम्स प्रेजेंट, तो बेटे ये जो है ना ये जो डिफरेंस है अगेन वी विल कम ऑन व्हेन वी विल स्टडी द कंप्लीट चैप्टर बट फिलहाल में एक समरी के लिए ये पूरा आपको टैबलेट फॉर्म में दिया हुआ है ना द स्ट्रक्चर ऑफ प्रो सेल दैट इज अ बैक्टेरियल सेल उसका कितना है बेसिकली द सेल एवरेज साइज़ वन पॉइंट टू फाइव माइक्रोम्यू ओके स्मॉल होता है ओके स्मॉलेस्ट बैक्टेरियम इज़ डायलास्ट निमोनियो साइट साइंटिस बेसिकली फिर बाद में थोड़ा सा और लार्जेस्ट बैक्टेरियम जो है वो स्पायरोलम होता है तो आपको स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का नाम याद रखना है बैक्टेरियल सेल में थ्री पार्ट्स होता है आउटर कवरिंग साइटोप्लाजम और उसके साइटोप्लाजम के अंडर बॉडी होते हैं तो बॉडी और बैक्टेरियम और द बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल में इट हैज़ अ कैप्सूल सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओके तो अभी मैं डायग्राम दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा यू कैन सी दिस डायग्राम प्रोकैरियोटिक सेल का सेल वॉल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ओके क्रोमोसोम्स जेनेटिक मटेरियल राइबोसोम 70s का होता है मीजोजोम्स होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेमियोजोम्स होता है ये फ्लैजेला होता है एक सेल वॉल कैप्सूल प्लामो मेम्ब्रेन ये तीनों चीज़ें आपको याद रखने थ्री लेयर्स आते हैं ओके अंदर प्लास्टिड होता है पाइलाय होता है राइबोसोम्स होते हैं और जेनेटिक मटेरियल होता है हाँ न्यूक्लियोइड सर्कुलर डीएनए सो दिस इज़ अ टिपिकल डायग्राम ऑफ बैक्टीरियल सेल बैक्टेरियल सेल का डायग्राम है देखो ये डायग्राम में देखेंगे कैप्सूल है सेल वॉल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन तीनों लेयर्स हैं फिर अंदर जो है ये क्या है जेनेटिक uh, मटेरियल है दैट इज़ न्यूक्लियोइड सर्कुलर डीएनए ये फ्लैजुला है टेल जैसा देन ये पाइला है इसमें प्लास्मिड होता है एक्स्ट्रा क्रोमोजोमलिए डीएनए होता है और राइबोसोम्स होते हैं सेवेंटी एस ठीक है तो ये सब प्रो कैरियोटिक यहाँ पर देखो आपको न्यूक्लियस नहीं दिखेगा माइक्रोकॉन्ड्रिया नहीं दिखेगा एंडो प्लास्मिक रेटिकुलम नहीं दिखेगा मतलब वो सब नहीं है पच्छड़ पच्छड़ प्रो कैरियोटिक सेल सिंपल है ओके सारा काम ये ही कर लेते हैं मीजोजोम्स वगैरह ठीक है तो कैप्सूल कैप्सूल क्या था आपने देखा था आउटर लेयर मोस्ट बैक्टीरियल सेल हैज स्लाइमी कैप्सूल आउटसाइड द सेल वॉल एंड कंपोज ऑफ पॉलीसेक्राइड याद रखना है कैप्सूल किससे बना है पॉलीसेक्राइड से ठीक है विच विच लाइज एक्सटीरियर टू सेल वॉल एंड इट एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोटेक्टिव कवरिंग का कवरिंग का काम करता है सेल वॉल है उसके अंदर कंसिस्टिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स प्रोटीन्स एक्सेट्रा ओके तो दैट इज सेल वॉल कैप्सूल के अंदर सेल वॉल होता है सेल वॉल इज अबाउट टेन माइक्रोमीटर थिक कंसिस्टिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स प्रोटीन्स तो हर के कंपाउंड्स आपको याद रखने हैं बेटा कैप्सूल इज मेडअप ऑफ पॉलीसेक्राइड सेल वॉल थोड़ा मोटा होता है थिक होता है एंड इट इज मेडअप ऑफ कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स प्रोटीन्स इन सब का बना हुआ होता है देन ऑन स्टेनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेल वॉल बैक्टेरिया देर आर ऑफ टू टाइप्स ऑफ अब बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है फॉर योर नेट नीट एग्जामिनेशन कि सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया बैक्टीरिया का सेल वॉल जो है ना वो पर्टिकुलरली कैरेक्टरिस्टिक कलर दिखाता है जिसके वजह से उनको हम लोगों ने दो कैटेगरी में किया हुआ है एक है ग्राम पॉजिटिव और एक है ग्राम नेगेटिव ठीक है तो वो किसके वजह से होता है सेल वॉल के वजह से ठीक है तो ये याद रखना है कि सेल वॉल के वजह से डिस्टिंक्ट बैक्टीरिया uh, जो है उनका स्टेनिंग प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज कहा जाता है तो इट हैज़ बेसिकली ये प्रोटोकॉल है वो ग्राम स्टेनिंग का कि उसमें डाई होता है क्रिस्टल वॉयलेट मॉड मौर्ड, होता है आयोडीन डी कलराइजिंग एजेंट होता है अल्कोहल और काउंटर स्टेन होता है सेफ्रिन तो ये चार चीज़ें यूज होकर उसका बैक्टीरियल सेल वॉल जो है या तो पिंक कलर दिखाता है तो पर्पल कलर दिखाता है ठीक है तो ये आपको याद रखना है तो ग्राम नेगेटिव वाला बैक्टीरिया जो है वो पिंक कलर का होता है आपको हमेशा याद रखना है और ग्राम पॉजिटिव वाला जो होता है वो हमेशा वॉयलेट कलर का होता है किसके वजह से होता है सेल वॉल के वजह से वो मतलब ये स्टेप्स होते हैं यू कैन जस्ट गो थ्रू इट आफ्टरवर्ड्स बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको याद रखना है कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया आ उनका सेल वॉल जो है वो अलग कलर का कलर ले लेता है तो वो कलर के बेसिस पर उनको क्लासीफाई किया जाता है तो ग्राम पॉजिटिव एंड पॉजिटिव वाला इज ऑफ वॉयलेट कलर एंड नेगेटिव वाला इज ऑलवेज ऑफ पिंक कलर ठीक है बैक्टीरिया देन द डिफरेंस इन द सेल वॉल कंपोजिशन ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अकाउंट्स ऑन द ग्राम स्टेनिंग डिफरेंसेस नाउ बेटा डेफिनेटली ये ग्राम स्टेनिंग जो होता है ना वो क्या करता है कि वो सेल वॉल जो है इट इज़ मेड अप ऑफ़ वन कंपाउंड कॉल्ड एज पेप्टाइडोग्लाइकिन क्या होता है सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकिन ये भी पॉइंट याद रखेंगे तो पेप्टाइडोग्लाइकिन जो है वो ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल कंटेन थिक लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकिन थिक पेप्टाइडोग्लाइकिन तो इसीलिए वो वॉइलेट कलर का होता है और थिक लेयर नहीं होता है तो वो कौन सा कलर का होता है ठीक है वो पिंक कलर का होता ठीक है तो पेप्टाइडोग्लाइकिन ये सेल वॉल कंपोजिशन होता है जिसकी वजह से वो पिंक और वॉयलेट कलर दिखाता है तो ग्राम पॉजिटिव में वो पर्पल कलर दिखाता है वॉयलेट कलर दिखाता है बिकॉज ऑफ पैप्टाइडोग्लाइकिन थिक लेयर ऑफ पैप्टाइडोग्लाइकिन इतना समरी मैंने आपको बताया है जो आपको याद रखना है देन नेक्स्ट इज ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव देखो दिखाया है ना यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन है यहाँ पर देखेंगे ग्राम पॉजिटिव में कितना थिक है पेप्टाइडोग्लाइकन यहाँ पे पतला है तो ये डिफरेंस है जिसके वजह से वो ग्राम पॉजिटिव जो है वो वॉयलेट कलर दिखाता है हुँ? थिक पेप्टाइडोग्लाइकन देन ये ग्राम करके साइंटिस्ट थे जिन्होंने वो इन्वेंट किया था तो इसीलिए उनके नाम पे ही वो स्टेनिंग टेक्निक रखा है नाउ द सेल ऑर्गनल व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर का होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन मोस्ट लेयर होता है ऐसा उसका डायग्राम है देख देखेंगे तो इट हैज़ अ इट इज़ अ प्रेजेंट इन इनर ऑफ इनर टू सेल वॉल एंड कम्पोज ऑफ लाइपोप्रोटीन्स यूजअली गेट मॉडिफाइड टू मीजोजोम्स और डेस्मोजोम्स इन बैक्टेरियल सेल हाँ बेटा तो ऐसा उनका स्ट्रक्चर होता है बाइलिपिड लेयर होता है दो लेयर्स हैं यहाँ पे देखेंगे वन एंड टू हाँ ऐसा गोल गोल है और टेल है तो इसमें भी आपको याद रखना है कि देर इज अ अर इज अ रीजन वेर द सेंटर इज हाइड्रोफोबिक रीजन एंड ऊपर का हाइड्रोफिलिक रीजन जो हेड वाला पार्ट होता है बाइलिपिड लेयर का इट इज हाइड्रोफिलिक एंड सेंटर का हाइड्रोफोबिक फोबिक मतलब क्या दे डू नॉट हैव अ कंपैटिबिलिटी विथ वाटर, वाटर से वो एसोसिएटेड असोसिएटेड और फिलिक का मतलब वो वाटर के आसपास में रह सकता है हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक तो हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक बाई लेयर जो है वो ऐसा दिखता है साथ में आप देखेंगे मेम्ब्रोन पोर होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं पेरीफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन वगैरह तो लिपिड लेयर है प्रोटीन है कार्बोहाइड्रेट है तो बेसिकली आ, ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है सेल वॉल और फिर उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड कैप्सूल हमने तीनों चीज पढ़ी ठीक है तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एक बार देख लेते हैं फटाफट एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं बेटा स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकोकसम निमोकोकस बैसेलस माइकोबैक्टेरियम एंड ट्रेप स्ट्रेप्टोमाइसिस ये सब ग्राम पॉजिटिव है सालमोनेला इकोलाय सुडोमस राइजोबियम एंड एजोटोबैक्टर आर ग्राम नेगेटिव बैक्टेरिया ठीक है ग्राम पॉजिटिव पर्पल कलर या वॉयलेट कलर होता है वो पिंक कलर होता है ठीक है डू नॉट रिटेन कलर एंड वॉश्ड विध एल्प देन द वॉल इज सिंगल लेयर उसमें टू लेयर होता है फिर थिकनेस ऑफ द वॉल इज ट्वेंटी टू एटी उसमें कम होता है देन लिपिड कंटेंट ऑफ़ द वॉल इज क्वाइट लो उसमें ज़्यादा होता है इसमें म्यूरिन एंड म्यूकोपेप्टाइड्स ज़्यादा होता है उसमें कम होता है देन uh, टेकोइक एसिड इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल उसमें नहीं होता है पोरेंस आर एबसेंट उसमें पोरेंस आर अकर इन द आउटर मेम्ब्रेन तो ग्राम नेगेटिव में पोरेंस आर प्रेजेंट ग्राम पॉजिटिव में इट इज नॉट प्रेजेंट तो आपको ये अगेन यू हैव टू रिमेंबर दैट कि थिकनेस किस में ज़्यादा है किस में कम है सिंगल लेयर किस में है उसमें मोर है पेप्टाइडोग्लाइकिन किस में है किस में नहीं है तो ऑल द थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर ओके वॉयलेट कलर पिंक कलर एन एग्जाम्पल्स ना वॉट ऑल थिंग्स आर देयर इन दी बैक्टेरियल सेल इट हैज रॉड शेप बैक्टेरिया वन और मोर फ्लैजुला ठीक है पिल्लाए होता है दे आर स्टाउट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स देन साइटोप्लाजम होता है जिसमें सारे सेल ऑर्गनल्स वगैरह होते हैंकोजिन प्रोटीन फैट्स वगैरह सब कुछ होता है साइटोप्लाज्म में एंड सम फोटोसिंथेटिक बैक्टेरिया हैटोफो ये yes स्टूडेंट्स तो आज मैंने आप लोगों को अब तक क्या सिखाया है अबाउट द बेसिक्स ऑफ सेल द टाइप्स ऑफ सेल्स सेल थियोरी और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में ओके प्रोकैरियोटिक सेल में मैंने डिटेल में आपको बताया बैक्टीरियल सेल के बारे में पेप्टाइडोग्लाइकिन के बारे में ब्लू ग्रीन अलगा के बारे में जो आप लोगों को बहुत यूजफुल होगा फॉर योर नीट एग्जामिनेशन येस स्टूडेंट्स होप्सो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा लेक्चर लेट्स मीट अगेन बाय